ट्रेन में नींद अच्छी आ गई, बहुत मज़ा आया। सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुषार मेहता आ गया हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। सो गाइज, तो अभी मैं जा रहा हूँ राजस्थान, क्योंकि अपने हाउस का ओपनिंग है। तो अभी जा रहा हूँ राजस्थान, मुहूर्त है, पूजा है, तो सब लोग चले गए, सब फैमिली वाले। तो मैं लास्ट में मैं बचा हूँ, तो मैं भी जा रहा हूँ। 12 को जा रहा था लेकिन मैंने पोस्टपोन कर दिया, जल्दी जा रहा हूँ। आज 10 तारीख है और मुझे पता है कि ब्लॉग बहुत कम आ रहा है, लेकिन जैसे भी आ रहे, जितने आ रहे, प्लीज़ इन्जॉय करते रहिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। जो लाल बटन है प्लीज़ दबा के जाइए, ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना नहीं बढ़ पाऊंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर दीजिए। जो भी अपडेट्स है पहले फर्स्ट वहाँ पर आ जाती है, रील्स, फोटोशूट, जो भी सब कुछ है इंस्टाग्राम पर फर्स्ट पोस्ट होता है, बाद में यूट्यूब पर आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और चलते अभी, और ये जर्नी देखते रहिए, क्योंकि बार बार राजस्थान में क्यों जा रहा हूँ, ये बार तो मेरा घर का ओपनिंग है। तो लास्ट टाइम मैं गया था अभी लास्ट मंथ के आसपास, तो वो मैंने मंदिर में गया था जीरा वाला, तो वहाँ पे भी आप प्लीज़ एक बार जरूर जाके आइए। देखना है वो मंदिर, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग देखिए, मीन्स आईडी पे जाके ब्लॉग देख लीजिए मेरे पुराने। तो मैंने वो जीरा वाला पूरा एक्सप्लोर किया हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा तीर्थ, ब्यूटीफुल है एकदम। जाओगे तो एकदम बोलते ना, फीलिंग ही अलग आती है, वाइब्स ही अलग आती है। तो प्लीज़ जाके आइए वो मंदिर में। और तभी मैं गांव नहीं जा पाया, तो इसलिए अभी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे गांव में जाना बहुत पसंद है और मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे सब फ्रेंड्स और एंजॉयमेंट मिलती है, सब फनी, कुछ भी करते रहो मज़ा आता है। तो चलते अभी गांव, और सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो मेरा सिर्फ बैग है बस ये, क्योंकि इसमें अपने सब सामान आ गया, सब जो भी मेरे कपड़े वगैरह थे तो वो मम्मी लेके गई है गांव, वो लेके चली गई है, मीन्स 2 दिन पहले गई है सब लोग, तो वो लोग लेके चले गए। तो बस मेरे पास इतना ही सामान है, तो मैं फ्री का फ्री हूँ और ज़्यादा शूट भी कर पाऊँगा, क्योंकि सामान का टेंशन नहीं रहेगा। अभी ऑर्डर दिया है सैंडविच का, तो सैंडविच खाने के बाद फिर जाते हैं अंदर सैंडविच खाने को। वो भी अपने माई भाई खा रहे हैं सैंडविच, और ये पानी बोतल अपने ट्रेन में काम आएगी। सो अभी टाइम हो रहा है 8:42, और अब तक ट्रेन के दरवाजे खुले नहीं है, इसलिए हम बाहर हैं, मैं और ये होटल है खाली, बाकी कोई नहीं है, इन सब आ रहे हैं। टाइम है अब तक 8:40 का टाइम, 9:40 का टाइम है, 8:42 अब तक एक घंटा है। तो सब लोग आराम से आएंगे और तभी दरवाजे खुलेंगे थोड़ा टाइम होने के बाद। तो अभी वेट करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बैठे हैं यहीं पे, और कितने लोगों से मिलना है थोड़ी देर के लिए, बस अभी टाइम हो रहा है, 2 मिनट बाकी है, फिर ट्रेन चल जाएगी, तो अंदर चले जाता हूँ मैं, और वहीं छोड़ के चले गया ये, फिर मिलने आए इनको कॉल करके हम लोग ने बुलाया। हेलो, डाई डाई, बाय बाय। चलो ट्रेन चल गई है, चलते हैं अंदर। So guys, अभी टाइम हो रहा है 11:30, और अभी वॉशरूम आया हूँ, लेकिन ठंड लग रही है वहाँ पे, तो गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो रहा है, क्योंकि एसी ऑन है, और हम लोग ने ब्लैंकेट वगैरह दिया है, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही हम लोग बैठा हूँ मैं, और सोने का मन नहीं कर रहा है, नींद तो आ रही है लेकिन मन नहीं कर रहा है। तो अभी मीन्स 1-2 बजे तक, या फिर फुल नाइट मार लो, जैसी इच्छा होगी तो वैसा अपन करेंगे, पूरा फुल नाइट मोबाइल देखेंगे। आप कमेंट कर देना कि ब्लॉग कैसा लग रहा है, और चलते हैं अभी अपने सीट पे। और ये ट्रेन का नाम है गुजरात मेल, जो कि दादर से प्लेटफॉर्म नंबर 7 से 9:40 को निकलती है, और 5:55 मॉर्निंग में अहमदाबाद टच कर देती है। ट्रेन तो बेस्ट है, लेकिन मुझे वॉशरूम अच्छा नहीं लगा, क्लीनिंग नहीं है बहुत, आपको अभी दिखाऊंगा नहीं मैं, बस आप कमेंट कर दोगे कि वॉशरूम दिखा रहा है, लेकिन वॉशरूम मेरे को पसंद नहीं आया। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी आ गया अपना अहमदाबाद, ये लास्ट स्टॉप है, और यहाँ पे अपने को उतरना है। चलते अभी बाहर स्टेशन के बाद, फिर बता दो क्या करना है क्या नहीं, पहले कुछ नाश्ता करेंगे फिर जाएंगे। तो चलते हैं। तो अभी हूँ ब्रिज पे, स्टेशन के बाहर जा रहा हूँ, बहुत टाइम बाद अहमदाबाद स्टेशन पे आया हूँ। ये देखो ऐसा कुछ है, ये है अहमदाबाद का कुछ स्टेशन बाहर का, यहाँ से आया मैं, बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं,
दिन में, रात में आए हैं। जब भी राजस्थान से ट्रेन आती है रात में हम लोग स्टेशन के बाहर एक बार आए हुए हैं, एक दो बार। तो भी मैं जा रहा हूँ बाहर, फिर कुछ भूख लगी तो कुछ खाने को मिलेगा तो खा लूँगा, और फिर ब्लॉग में देखते रहिए क्या करता हूँ मैं इस ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों गाँव जा रहा हूँ, तो मेरा न्यू घर का ओपनिंग है तो इसी के लिए जा रहा हूँ। ये अपना फ्लैग इंडिया का और अहमदाबाद स्टेशन। तो अभी बैठा हूँ मैं ऑटो में और अभी जा रहा हूँ गीता मंदिर, वहाँ से बस पकड़ूँगा खानेवाड़ा के लिए। ये अहमदाबाद, अपना अहमदाबाद। अलग ही फीलिंग आ रही है। तो अभी है चाय ब्रेक और मैं ऑटो से उधर गया हूँ, ये गीता मंदिर स्टेशन, यहाँ पे चाय पी लेता हूँ। सो गाइस, अभी मेहसाणा हम लोग ने क्रॉस कर लिया है बस से निकल के, और इस होटल पे रुकी है कुछ खाने वाने के लिए। तो गर्मी तो बहुत लग रही है लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी एकदम से ट्रिप बना तो कुछ प्लानिंग भी नहीं था, डायरेक्टली जैसा आना था वैसे आ गए। रात तक तो ठंडी लगी, सुबह तक तो इसी में, अभी गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं, तो कुछ खाना है तो खा लेते हैं फिर चलते। कम से कम मेरे को लग रहा है 2 बजे के आसपास मैं गाँव में घर पर पहुँचूँगा। क्या लेंस पे कुछ रहा है, 2 बजे के आसपास पहुँचूँगा। तो अभी चलते कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। और अभी ये मेहसाणा में हूँ, मेहसाणा। सो गाइस, आ गया हूँ मैं रानीवाड़ा स्टेशन और मैंने ये मोजड़ी ले ली है। तो ये मोजड़ी मैंने ली है 600 में, राजस्थानी मोजड़ी है। और ये अपने चप्पल, तो अभी चलते हैं। ये जीप है, काली पीली मुंबई में टैक्सी होती है वैसे ये जीप है, टैक्सी बोलते हैं इसको। तो इसमें जाऊँगा मैं रानीवाड़ा से अपने गाँव दांतवाड़ा, क्योंकि अभी किसी को बुलाया नहीं घर से, घर पर मैंने बोला भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। तो चलते अभी जीप में, और मोजड़ी इसलिए लाई क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे आओ तो यहाँ के कल्चर और स्टाइल फॉलो करो, ऐसा मेरा मानना है। ये है रानीवाड़ा, सब जीप पड़ी है। सो गाइस, ये है अपना गांव, अपना घर, एक्टिवा पड़ा।
अभी मैं खड़ा हूँ इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे, यहाँ पे तो यही पे मैं शूट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आया था कुछ काम से वीडियो में, तो अभी सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना। लाल बटन है वो प्लीज़ यहाँ पे नीचे वो दबा देना। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया डायरेक्ट मुंबई में, क्योंकि मैं गांव पहुँचा उसके बाद हम लोग इतने बिजी हो गए घर के ओपनिंग में, और पे फंक्शन था तो सब बिजी थे। मीन्स 12 दिन में रहा लेकिन वहाँ पे और शूट नहीं कर पाया। जितना मैंने गांव का शूट किया वो मैं इस व्लॉग में दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिए। और इसी के साथ व्लॉग को करता हूँ एंड, और व्लॉग गांव का कैसा लगा, नेक्स्ट टाइम पक्का जाऊँगा तो पूरा गांव दिखाऊँगा। इस टाइम सॉरी ज़्यादा थोड़ा मीन्स फैमिली वाले एक साथ में हो गए तो टाइम स्पेंड कर रहा था फैमिली के साथ, तो ज़्यादा शूट मैं कर पाया नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो पक्का शूट करूँगा, पूरा गांव का सब दिखाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और जो भी है इसमें देख लीजिए जो भी मैंने डाला है वो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग।